Hi guys, welcome back to my channel and another vlog. So how are you guys? Good morning. It's about I think 5 and I'm at the IGI airport waiting for my brother to come. Or main fir se Dubai ja rahi hu because you know work and also leisure. So abhi to I'm just waiting. My flight is around 7 something ish and yeah, that's it. Kind of sleepy. I did not sleep whole night, okay, because I usually sleep at 3 o'clock in the morning. But abhi so ke kya fayda hota na, jab sone ka time hota tab mujhe uthna hi padta, so I did not sleep. And that's it. I'll see you after my everything is done, maybe at the Dubai airport if I'm allowed this time, okay. So keep watching. मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा था क्योंकि मेरा माइक ऑफ था. ऑन नहीं था, अब ऑन हुआ. यहाँ पे रख ले. हेलो मिस्टर दानिश जी. ये कितनी भीड़ है. मेरे गिम्बल निकालने में आलस लग रहा है. सामने तो देख, इधर शीशे पे देख क्या लगा. कैमरा ज़्यादा कन्वीनियंट है या फ़ोन में शूट करना, आप लोग नीचे कॉमेंट करो. तो हम लोग कुछ खाने के लिए बाकी क्या खाएगा तू बेटा, खा लो खा ले. ये पैनकेक खाइए तू. तू ये पैनकेक खाएगा तब पे करूँगी बिल. हाँ तो अभी ना हम लोगों ने लाइक चेक इन करा दिया, सब कुछ हो चुका है और अब हम लोग लेंगे, मतलब नॉट लेंगे बट वी हैव ऑलरेडी टेकन सम फूड टू ईट लाइक बिकॉज फ्लाइट में ना आई डोंट लाइक ईटिंग द फूड देयर. सो आई हैव टेकन अ कॉफ़ी और हाँ बस आई गेस खा के मेरा भाई अभी गया घूमने इधर उधर, समझ ही जाओ कहाँ गया होगा राइट. अभी हम लोग खा के बस 7:45 को हमारा फ्लाइट है, फिर बोर्डन करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं सीधा एयरपोर्ट. मैंने ये कॉफ़ी लिया है यहाँ पे, मेरे भाई ने बर्गर टू से गए अभी यहाँ पे बैठ के. कोल्ड ड्रिंक दिया, अरे पागल ये तो लगा खाते हुए, ये उन्होंने दिया साथ में लगाने के लिए. क्या बना रही है, हमने खुद उठा लिया. अब बढ़िया आएगा शॉट. हाँ अब सही है. नहीं बड़ा स्मार्ट लग रहा है. नहीं नहीं सही है. तो अभी हम लोग ना क्या बोलेगा कुछ. अब हम लोग जा रहे हैं प्लेन में, सॉरी ट्रेन में, और ट्रेन हमारा पायलट उड़ाएगा. अरे अभी टाइम लग रहा है आई थिंक 7:32 हो चुके हैं, 7:45 पे पर अभी तक हो ही नहीं रहा है लाइक. अभी 7:45 पे टेक ऑफ है, 7:32 हो रहा है तो पास हो जाएगा उससे पहले. वेलकम ऑन बोर्ड. एक घंटे से हम लोग इतने अपने कैब का ही वेट कर रहे हैं, आ ही नहीं. और बहुत ज़्यादा गर्मी है ऑब्वियसली यहाँ पे, और मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, होटल जाके बस मैं क्रैश कर जाऊँगी एंड मे बी रात तक स्ट्रेट अप सोऊंगी और हो सकता है कल भी सोऊंगी. नहीं कल नहीं सो सकती, एक्चुअली काम है. तो हम लोग ना ये चाइनीज़ बूफे आए हैं खाने के लिए, कुछ कुछ खा रहे हैं. मैंने मसल भी है पूरा यहाँ पे, हॉट पॉट के लिए भी ले सकते हैं. इट्स अ नाइस प्लेस. चलो बेटा खोलो क्या है ये. वैसे तो हमने इसमें से ये निकाल लेता था, राइस ही है, मेरे को पता नहीं कुछ और है. दिखा
स्वीट डिश है राइस की बनी हुई, सब खा लिया और क्लैम्स भी खा लिया, ये भी मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई है यहाँ पे, ऑब्वियसली बहुत बेस्ट बूफ है। सो गाइज अभी हम लोगों ने ना यहाँ पे बूफे में खाया है, बहुत टेस्टी था, मतलब इट्स ओनली आई गेस 40 to 45 दिरहम एंड देन यू कैन गेट अ होल लॉट वेराइटीज ऑफ इट। और नेक्स्ट टाइम हम लोग ना हॉट पॉट ट्राई करेंगे बिकॉज अभी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, तो सोचा कि हॉट पॉट ना ही ट्राई करें बिकॉज इट्स एन एडिशनल चार्ज, ओके एवरी थिंग यू टेक हेयर इज़ एन एडिशनल चार्ज, तो नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करेंगे एंड होपफुली आई विल शो यू। हम लोग ना अपना होटल चेंज करे बिकॉज एक ही हमने ना, अरे अबे अबे भाई, हम लोग ना होटल चेंज करे क्योंकि हमें वन डे का ही बुकिंग मिला था जिस होटल में हम पहले भी रुके थे। हम काम से आए हैं यहाँ पे और लास्ट टाइम हमारा ट्रिप कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, इसलिए भी आए हैं, छुट्टियाँ चल रही थी, तो हम ये अभी अपार्टमेंट होटल अपार्टमेंट टाइप देख रहे रूम, क्योंकि ना अगर आप ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे रुक रहे हो तो होटल अपार्टमेंट्स आर बेटर बिकॉज उसमें किचन भी होता है तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। सोफा तो उसमें भी है ना, ये जो है ना ये होटल अपार्टमेंट है इसमें किचन इंक्लूडेड होता है और ना टू बाथरूम्स है बट वन बेडरूम है और इसमें भी एक बाथरूम है यहाँ पे, ये देखो ड्रेसिंग रूम भी दिया हुआ है। वैसे इसमें दो पर्सन जगह है, उसमें दो लोग, इसमें दो लोग ही, और इसमें बेड, ये ड्राइंग रूम है, डाइनिंग एरिया भी है। अब हम ये ट्विन बेड वाला देख रहे हैं। अच्छा ये वो, अच्छा हमने पहले यही देखा था, वॉशिंग मशीन, ये छोटा सा सिटिंग एरिया, टीवी एंड ये बेडरूम, बट इसमें एक ही बेड है। ये सारे यूटेंसिल मिलेंगे। अच्छा इसमें प्रेस भी होगा हमारे पास, कपड़ा प्रेस होगा, प्रेस प्रेस और ये यहाँ का लाइट का लाइट जल रहा। एक बार ट्विन बेड वाला देख लेते हैं। होटल प्लस अपार्टमेंट दोनों होता है, लोग यहाँ पर स्टे भी करते हैं, दो दिन तीन दिन चार दिन, जिसको जैसे 10 दिन रुकना होता है उस हिसाब से यहाँ रुकते हैं। होटल से सस्ता होता है, सब कुछ अपना बनाओ अपना खाओ, सबसे बढ़िया, टेंशन फ्री। हाँ रेंट पे भी रह सकते हो आप इधर, और रेंट पे रूम भी ले सकते हो 10 डेज, जितना भी आपको रुकना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना है तो ले सकते हो। तो हमने तो फाइनल कर लिया, तो ले रहे हम, कौन सा स्टूडियो है ना हमारा, तो हमारा स्टूडियो वन बेडरूम ही है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, वन बेडरूम वो दूसरा था। चलो तो अभी ना हम लोगों ने बुक करा लिया है, हमने ना हाफ मनी पे कर दिया है क्योंकि हमें कल चेक इन करना है, तो बाकी हाफ हम कल पे करेंगे। एक मैं माइक ऑन है, देखो पहले ऑन है, ऑन है, बाकी कल हम पे कर देंगे। बहुत सही लगा मेरे को ये कॉन्सेप्ट, पता है होटल अपार्टमेंट का, लाइक किचन भी है, लॉन्ड्री के लिए भी है, सब कुछ है, सो इतना कन्वीनियंट है। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए आते हैं ना तो वो बेटर है बिकॉज वो चीपर ऑप्शन भी है और बहुत कंफर्टेबली रहोगे। आई थिंक होटल रूम से ज़्यादा कंफर्टेबली रहोगे, तो वो हमने लिया है वो रूम। आई थिंक हमें डिस्काउंट मिला है क्योंकि ज़्यादा डेज के लिए कराया है, तो हम लोगों को वो 210 to 250 dirhams per night पड़ जाएगा, which is quite cheaper, क्योंकि यहाँ पे hotels बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ठीक है, अभी हम लोग ना कुछ paper related work कराने के लिए जा रहे हैं, हमें कुछ typing work कराने हैं, तो we're looking for some typing shops, और मेरे भाई phone पे बात कर रहा है, as usual always busy, and जो टाइपिंग वर्क कुछ वर्क था पेपर वर्क वो करने के लिए गए थे, अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया क्योंकि शॉप्स क्लोज हो चुके थे,
तो अब वो कल करेंगे और बैंक वगैरह का भी काम हम लोग कल करेंगे. अभी फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रोसरीज लेने आए हैं ताकि रात में उतरना ना पड़े दोबारा से अगर भूख लगे, जस्ट इन केस. फिर उसके बाद बस सीधे होटल ही जा रहे हैं. नथिंग मच टुडे, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. और मैं आपको होटल दिखा दूंगी एंड में, जो एज यूजुअल सेम वाला ही है. हम लोग आ चुके हैं वापस अपने होटल में और यहाँ पे आलसी वन के मतलब आलसी वन के पूरी तरह चलते चलते पैर में भी मेरे चोट लग गई है, चल इतना ज़्यादा चले हैं. और बहुत सारी ग्रोसरीज भी लिया, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया है. मैंने लिया है ये पाकर रोल ऑन बिकॉज मैं अपना परफ्यूम भूल आई हूँ. और फिर मैंने चीटो भी लिया और थोड़ा थोड़ा और सामान लिया कुछ कुछ, जो मेरे भाई ने अपने लिए लिया. और पानी का बॉटल दिया. पानी यहाँ पे बहुत महंगा देते हैं होटल में, एक दो बॉटल देते हैं पूरे दिन में और फिर 10 दिरहम में खरीदना पड़ता है एक बॉटल. सो गाइज, मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि अब हम लोग सोने के लिए ही जा रहे हैं. कुछ खा लेंगे और सो जाएंगे. बहुत थकान हो चुकी है, पूरे दिन ऐसे ही चला गया. सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. बोल भाई. Bye. Bye. Bye.